गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास नाइन्थ में आपका स्वागत है। देखिए, अपन यहाँ पर प्रश्नावली दूसरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद है, ठीक है। बहुपद में आपको सबसे पहले छोटी इकाई की बात करें, बात करते हैं अपन चर। चर किसे कहते हैं? फर्स्ट नंबर है चर की, तो अपन छोटी इकाई से स्टार्ट कर रहे हैं। चर किसे कहते हैं? देखेंगे चर का मान, चर का मान निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला तथा या हिंदी वर्णमाला वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेकिन अपन जब सवाल करेंगे तो उसमें केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए क्या है कि एक्स ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड आदि से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में बात आती है अचर। अचर क्या होता है? अचर का मान निश्चित होता है, इसे अंकगणित की संख्याओं अंकगणित की संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है, जाता है। जैसे एक दो, एक बटा दो, माइनस आठ, सात, कुछ भी हो, सब संख्याएं अनंत संख्याएं हैं। जितनी भी संख्याएं हैं अंकगणित के अंदर, उन सभी से व्यक्त किया जाता है अचरों, ठीक है। इसके बाद में आती है बात बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर प्लस माइनस गुणा भाग आदि संक्रियाओं के द्वारा या आदि चिन्हों के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपन बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखेंगे चर व अचर दोनों परस्पर योग व्यवकलन और व्यवकलन गुणा और भाग आदि
संक्रियम। आदि से जुड़े होंगे। चिन्ह लगाकर लिखे हो लिखे जाए आदि चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजन कहते हैं। जैसे एक्स प्लस पांच वाई प्लस माइनस रूट टू टू एक्स या एक्स और टू परस्पर गुणा में है, ठीक है, इसको 2x के लिए सकते हैं। x बटे 5 माइनस 2 आदि ऐसे जो पद होते हैं तो बीजीय व्यंजक होते हैं। जैसे x y प्लस 1 बटे y x अंडर रूट y आदि, ये आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब आती है अपनी बात बहुपद की कि भाई बहुपद किसे कहते हैं। प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन, 2.1 प्रश्नावली का नाम है बहुपद। अब अपन बहुपद की बात करते हैं, बहुपद कहते हैं चर व अचर दोनों परस्पर योग गुणा व्यवकलन गुणा और भाग चिन्हों चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, जो इस तरीके से हो सकते हैं। चार अचर सामान्य जानकारियां हैं, ये अपन को सामान्य जानकारी आनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे वो है बहुपद की, बहुपद किसे कहते हैं। अब आती है बात अपनी बहुपद की। बहुपद देखिए क्या होता है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या में हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अरे बस हमने उस बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या में हो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 3 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 आदि। देखिए 1 बटे x ये नहीं है बहुपद, नहीं है
क्योंकि चर की घात पूर्ण नहीं है, यहाँ पर घात आएगी, इसको ऊपर लेकर के जाएगी तो घात कैसी हो जाएगी, माइनस की। घातांक नियम जानते हो ना, नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे इसके हो जाएगी माइनस एक। तो घात पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो एक दो तीन चार डॉट डॉट अनंत तक होती हैं, तो जीरो से स्टार्ट होती है। मान लीजिए और भी है टू रूट एक्स, ये क्या है, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है आधी, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है क्योंकि तो इसके ऊपर भी चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। देखिए ये आपके बहुपद हो गए। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या टॉपिक चलेगा, बहुपद के प्रकार। बहुत सारे बहुपद हैं, पहला लिखते हैं अपन अचर बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, अचर बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पांच है, तीन है, जीरो है, आपको पता है कि जैसे मान लो पांच एक्स था पर उसकी घात जीरो, इसको मान के तुरंत वन कितना आ गया पांच। अकेली संख्या होती है वो अचर बहुपद कहलाती है, क्योंकि उसके गुणा में जो चर था उसकी घात क्या थी, शून्य। उसका मान कितना हो गया एक, तो पांच गुणा एक करेंगे कितना जाएगा पांच, इसलिए पांच कैसा है अचर बहुपद है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ये क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। अब आती है बात पदों के आधार पर बहुपद पढ़े, तो पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद तो लिखेंगे वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल्स जैसे 2x है, x बटे 5 माइनस y है, ये एक पदी बहुपद है जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, ये आपके एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। नंबर दूसरा बहुपद, तो क्या आएगा वह बहुपद जिसमें केवल
इसमें केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x+1 y-3, अरे इनमें दो पद है, एक पद ये एक पद ये, अलग अलग हुए, एक पद ये एक पद ये कहलाता है। ऐसे पद होते हैं दो पद। ये कहलाते हैं एक पदी बहुपद। अब बात करते हैं अपन आगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल तीन पदों त्रिपदी बहुपद कहलाता है। और एग्जाम्पल दीजिए, 2x+3x+4 y²+x²+x(8+3) - x - 3 आदि। इस तरीके से जिसमें तीन पद हों जो प्लस माइनस से परस्पर जुड़े हुए हों वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब आगे बहुपद की घात वगैरह एक अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।